हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये छपन, कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने दिसंबर 2019 समर एग्जामिनेशंस के लिए एक और न्यू नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में आप लोग को ऑफिशियली जानकारी दी गई है कि क्यों इतने सारे पेपर्स के एग्जामिनेशन को जनवरी में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी। हालांकि ये नोटिस कल ही जारी कर दिया गया था, लेकिन कल मैं किसी काम की वजह से बाहर था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया। खैर, इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इससे पहले इग्नू ने दिसंबर 2019 समर एग्जामिनेशंस के लिए ऑलरेडी बहुत सारे डेट शीट रिलीज कर दिए थे, लेकिन कल एक और डेट शीट रिलीज किया गया। मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि इग्नू के इतिहास में आज तक कभी भी इतने डेट शीट रिलीज नहीं किए गए हैं किसी एग्जामिनेशन के लिए, जितना कि दिसंबर 2019 समर एग्जामिनेशंस के लिए रिलीज किया गया। और उसका मात्र एक वजह है, झारखंड असेंबली इलेक्शन। इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो में मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया था कि क्यों ये जो एग्जामिनेशन के डेट है वो जनवरी तक एक्सटेंड किए गए हैं, उसका एक वजह झारखंड असेंबली इलेक्शन था। लेकिन वो मैंने अपने लेवल पे सर्च करके बताया था, इसका इग्नू ने ऑफिशियली नहीं बताया था कि क्यों चेंज हो रहा है, जिसको कल इग्नू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस के माध्यम से ये नोटिस जारी किया था और इसमें बता दिया था कि ये सारे जो चेंजेस किए गए हैं वो सिर्फ झारखंड असेंबली इलेक्शन की वजह से ही किए गए हैं और सिर्फ वही एग्जामिनेशन डेट को चेंज किया गया है जो कि इलेक्शन के डेट के साथ क्लैश हो रहा है। और यहाँ पे बकायदा डेट भी दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले जो 7 दिसंबर, 12, 16 और 20 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाले थे, उसको चेंज करके 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी को शिफ्ट कर दिया गया। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी डेट को शिफ्ट किया गया है उसमें मैक्सिमम एक्सपीरियंस के पेपर के एग्जामिनेशन थे, यानी कि करीब 300 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका डेट को एक्सटेंड किया गया है जनवरी तक। और उसमें ऐसे ऐसे पेपर हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इग्नू में पढ़ाई करते हैं, वही सब पेपर है। आप लोगों को पता होगा कि इग्नू में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया जाता है तो वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स के प्रोग्राम में, उसके बाद बीएससी में, फिर बीकॉम में, उसके बाद से फिर मास्टर्स में अगर देखोगे तो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर ऑफ इंग्लिश में, उसके बाद से मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में। ये सारे सबसे ऐसे प्रोग्राम है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और मैक्सिमम उसका एग्जामिनेशन रहता है, और वही सब पेपर को एक्सटेंड किया गया है क्योंकि उसी डेट पे वही सब पेपर पढ़ रहे थे। आप लोग यहाँ पे सबूत तौर पे देख लो कि 31 दिसंबर को जो भी डेट एक्सटेंड किया गया उसमें देखो इको 10 का पेपर है, जो कॉमर्स का पेपर है, एफएसटी का तो सभी का रहता है, मास्टर डिग्री में देखोगे तो एमईजी का पेपर है, एमईडी का पेपर है, आफ्टरनून सेशन में देखोगे तो बीजी इंग्लिश का पेपर है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रहता है, ईएचआई हिस्ट्री का पेपर है, बीयूएलई 006 जो उर्दू का पेपर है, ईईसी 07 यानी एमटी 13, एलएसी 9 यानी कि बीएससी से लेकर बीए, बीकॉम, मास्टर डिग्री, एमईजी सभी के पेपर एक्सटेंड किए गए, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे अफेक्टेड है जो कि डेट एक्सटेंड हुआ है। इसमें बस आप लोगों को प्रॉब्लम ये होगा कि आप लोगों का न्यू ईयर का सेलिब्रेशन थोड़ा सा स्पॉइल हो जाएगा इस डेट के एक्सटेंड होने की वजह से, क्योंकि 1 जनवरी को सब कोई न्यू ईयर मना रहा होगा और आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि क्या ये भी डेट चेंजेस होगा, क्योंकि 1 जनवरी को तो न्यू ईयर है तो उस दिन क्या एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में 1 जनवरी को कोई भी ऑफिशियली छुट्टी नहीं बोला जाता है, ऑफिशियली हॉलीडे नहीं माना जाता है, उस दिन सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज सभी चीज खुला रहता है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है वो 1 जनवरी को होगा, उसमें शिफ्टेड नहीं किया जाएगा। और इस डेट शीट में एक और जो इससे प्रीवियस वाले डेट शीट में कुछ गलती की गई थी इग्नू की तरफ से, जो कि यहाँ पे एफएसटी का एग्जामिनेशन में जो गलती कर दिया गया था, जो पुराना वाला ही लिखा आ रहा था, उसको भी इग्नू ने इस डेट शीट में ठीक कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि ये चीज को चेंज किया जाएगा, उसके लिए फिर से एक और डेट शीट रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट नोट बोलकर लिखा गया इस डेट शीट में कि जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं और खासकर जम्मू और श्रीनगर रीजन के, उनके लिए एक सेपरेट डेट शीट रिलीज किया जाएगा, और मुझे जहां तक जानकारी मिल पाई है आज शाम तक रिलीज कर दिया जाएगा या फिर मंडे को कंफर्म बीएड के लिए जो भी जम्मू और श्रीनगर रीजन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग डेट शीट कंफर्म मंडे तक रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। और नोटिस भी आप लोग देख सकते हो। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, छोटा सा ही वीडियो था आप लोग को बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि एक और न्यू डेट शीट रिलीज किया गया है जिसमें, और इग्नू की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया जिसमें आप लोग को ऑफिशियली जानकारी कर दे दी गई है और जो भी डेट था उसको चेंज कर दिया गया है और आप लोग का 300 पेपर का एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिनको जनवरी में शिफ्ट कर दिया गया है, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन थे वो एज इट इज थे। लेकिन जितने भी पेपर शिफ्ट किए गए हैं उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका 1 या 2 पेपर तो शिफ्ट कर ही दिया गया है, क्योंकि ऐसे ही पेपर शिफ्ट किए गए हैं जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रहता है। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है डेट शीट को लेकर तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।